नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोहली द लार्जेस्ट कम्युनिटी ऑफ इंडिया। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कोहली द लार्जेस्ट कम्युनिटी ऑफ इंडिया में। दोस्तों, मैं इस चैनल पर खाली सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी से संबंधित वीडियो ही बनाता हूं, इसलिए ऑफिशियली मेरे सब्सक्राइबर भी कम है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इंडिया की पूरी कोहली कम्युनिटी तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी कोहली कम्युनिटी के बारे में जान सके। सभी व्यूअर से निवेदन है कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो बना सकूं और मेरा नया वीडियो इस वीडियो पर इस चैनल पर आते ही आप तक पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। वीडियो के नीचे जो लाल बटन आ रहा है सब्सक्राइबर का, उसका क्लिक करें। मध्य और पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले कई उपसमूहों वाली जाति है। कोहली का सबसे बड़ा समूह महाराष्ट्र राज्य में रहता है, खासकर मुंबई और गुजरात में। 1761 में कोहलियों ने गामाजी भांगरे और खेरोजी पाटीकर नाम के कोहलियों के नेतृत्व में हैदराबाद के मुस्लिम निज़ाम के खिलाफ हथियार उठाए। गामाजी भांगरे महाराष्ट्र के महादेव कोहली थे। गामाजी भांगरे गोत्र के कोहलियों का सरदार था। दोनों ने कोहलियों को इकट्ठा किया और हैदराबाद रियासत के निज़ाम के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। 1761 में कोहलियों ने गामाजी और खेरोजी के नेतृत्व में धावा बोल दिया और त्रिम्बक किले पर कब्जा कर लिया। इसके बाद गामाजी और खेरोजी ने त्रिम्बक किले को मराठा राज्य में शामिल कर दिया, जिसकी वीरता के सम्मान में दोनों कोहलियों को गांव दिए गए, साथ ही पाटिल और देशमुख की उपाधि से भी नवाजा गया। खेमी सरनायक शिवाजी राजे के समय के एक कोहली सरदार थे, जिन्हें सुल्तान औरंगजेब के खिलाफ हथियार उठाए थे एवं जजीरा को समाप्त किया था। इतिहासकार गोविंद सदाशिव गुर्गे के अनुसार जचिया से परेशान होकर कोहली जमींदारों ने खेमी सरनायक के नेतृत्व में मुगल सुल्तान औरंगजेब के खिलाफ हथियार उठा लिए। खेमी सरनायक ने उत्तर पश्चिम पुणे और अहमदनगर के सभी कोहली नायकों को इकट्ठा किया। कोहली विद्रोह को देखते हुए औरंगजेब ने खेमी सरनायक के परिवार को मार डाला, ताकि आगे चल के उसके बच्चे भी जंग न छेड़ दें। इसके बाद औरंगजेब ने खेमी सरनायक के रिश्तेदारों के सर कलम कर दिए। इसके बाद सुल्तान औरंगजेब हजारों कोहलियों को बंदी बनाकर जन्नर ले गया और सभी के सर कलम कर दिए। उनके ऊपर ही एक स्मारक बना दिया गया, जिसे कोहली चबूतरा या काला चबूतरा बोला जाता है। अगर वो राजा है तो वो जो महादेव कोहली है वो महाराजा है। पदम श्री राहीबाई सोमा पोपरे, जो कि सीड मदर के नाम से जानी जाती हैं। राहीबाई सोमा पोपरे महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के अकोला आदिवासी ब्लॉक के कोंबले गांव के महादेव कोहली आदिवासी समुदाय की रहने वाली हैं। 61 साल की राहीबाई सोमा पोपरे को स्वदेशी बीजों के संरक्षण के लिए सीड मदर के रूप में जाना जाता है। उन्होंने सैकड़ों देशी किस्मों के संरक्षण और किसानों को पारंपरिक फसल उगाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए काम किया है। राहीबाई सोमा पोपरे एक नारी सशक्तिकरण को पेश करने वाली एक बेहतरीन मिसाल है। सीड मदर ने जैविक खेती को एक नया मुकाम दिया है। स्वयं सहायता समूह के जरिए उन्होंने 50 एकड़ जमीन पर 17 से ज़्यादा देसी फसलों को उगाने का काम किया है। 2 दशक पहले शुरू किए अपने इस काम को आज उन्होंने स्वयं सहायता समूहों के जरिए बहुत से किसानों को
जोड़ लिया है। महाराष्ट्र की 61 वर्षीय आदिवासी किसान राहीबाई पोपरे उन खास लोगों में शामिल है जिन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। 154 देशी किस्मों के बीजों का संरक्षण करने वाली राहीबाई पोपरे ने गांव कनेक्शन को बताया कि पीएम मोदी ने उनके गांव आने का वादा किया है, लेकिन उनके सुदूर गांव तक जाने के लिए सड़क नहीं है। बात करते हैं कोली संस्कृति की, कोली नृत्य की। कोली नृत्य भारत के महाराष्ट्र राज्य का सबसे अधिक लोकप्रिय नृत्य है। यह नृत्य महाराष्ट्र की कोली जाति के नाम पर बना है और उनकी वेशभूषा और तौर तरीकों से लिया गया था है। कोली नृत्य समुद्र की लहरों की चाल और नाव की तरह किया जाता है। कोली जाति हर वर्ष पर्व मनाती है तो यह नृत्य किया जाता है। नृत्य पुरुषों और महिलाओं द्वारा दो समूहों में विभाजित किया जाता है। मछुआरे विपरीत पंक्तियों में अपनी भुजाओं से जुड़ी हुई और पुरुषों की ओर बढ़ रही हैं। इस नृत्य की महिला नर्तकियों को आमतौर पर पारंपरिक हरे रंग की साड़ी पहनी जाती है और उनके घुटने तक लिपटी होती है। वे हार, कान की बाली, चूड़ियां जैसे गहनों से भी खुद को सजाती हैं। दूसरी ओर पुरुष कलाकार अपने कमर और चारों ओर लुंगी पहने होते हैं जो एक त्रिकोणीय आकार बनाते हैं। पतवारों को धड़कनों की तरह ताल पर लहराया जाता है और जीवंतता को बाहर लाया जाता है। जैसे ही इन पतवारों को एक लयबद्ध पैटर्न में आगे और पीछे की ओर घुमाया जाता है, मछुआरों द्वारा नावों की वास्तविक रोइंग का दृश्य सजीव हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो नावें समुद्र की लहरों पर नाच रही हों। कोली नृत्य के कई रूप हैं जो उस क्षेत्र के आधार पर भिन्न होते हैं जिसमें वे खेले जाते हैं। पुरुषों और महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली वेशभूषा जातीय और पारंपरिक है। घुटने की लंबाई वाली साड़ियां और त्रिकोणीय आकार की लुंगी मुख्य परिधान है। यह समूह नृत्य पंक्तियों या जोड़ों में खड़े होकर किया जाता है। पुरुष और महिलाएं विपरीत दिशाओं में खड़े होते हैं और महिलाएं पुरुषों की ओर बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। इसके बाद रोइंग और मछली पकड़ने की गतिविधियों को दिखाते हुए नृत्य प्रदर्शित किया जाता है। ऐसे कई कोली गीत हैं जो इस रूप से जुड़े हैं। मी डोलकर, डोल डोलते, आगा पोरी संभल, पारू गो पारू और वलहन ने नखवा प्रसिद्ध हैं। कोली नृत्य में महिलाएं आमतौर पर विपरीत दिशाओं से पुरुषों द्वारा पकड़ी गई छड़ियों के बीच में कूदती रहती हैं। आइए देखते हैं, फिल्मों में भी कोली जाति का नृत्य प्रयोग में लिया जाता है। कई फिल्मों में इस नृत्य को दिखाया गया है।